तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है ये चार्जिंग आईसी के ऊपर होने वाला है। आज जो हम लोग से सीखने वाले हैं दोस्तों, ये चार्जिंग आईसी के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग आईसी होती है वो चार्जिंग आईसी कैसे काम करती है और चार्जिंग आईसी का क्या रोल होता है और मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है। हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आएंगे उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग आईसी को आप किस तरीके से पहचानेंगे उसके बारे में आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको सिखाई जाती है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक हम लोग कंप्लीट सफर तय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं उस सारे मोबाइल फोन के अंदर जो बोर्ड के अंदर जो आईसियाँ होती हैं वो कैसे काम करती हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आईसीयू को काम करने का तरीका क्या होता है, आईसीयू को काम करने का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में टोटली मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। और एक एक करके सारे स्टूडेंट को मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो के माध्यम से देख सकें, उनसे सीख सकें, उनसे समझ सकें, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको हासिल हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुझे आईसी के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप आईसी के बारे में एक करके वीडियो दें तो मुझे काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए सारी वीडियो लेकर गया हूँ। आईसी के बारे में कम से कम मैं 12 से 14 वीडियो लेकर गया हूँ ताकि एक एक करके मैं सारी आईसी के बारे में आपको सिखा सकूँ, उनको डिटेल से उनके बारे में सारा जानकारी मैं आपको दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं आईसी के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है चार्जिंग आईसी के ऊपर, कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग आईसी होती है वो चार्जिंग ऐसे कैसे काम करती है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं। चार्जिंग आईसी यह आईसी सेट में बैटरी को चार्जिंग स्टोर करती है, इसकी पहचान के लिए इसके पास में LVR बूस्ट कॉइल लगी होती है। यह आईसी 6 पिन एट पिन या 10 पिन या तो स्क्वायर फॉर्म में होती है या तो फिर बॉल वाले फॉर्म में भी आती है। तो ये हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर जो चार्जिंग आईसी पाई जाती है वो या तो 6 पिन की होती है, 8 पिन की होती है। हमारे पास जो पुराने मोबाइल फोन और भी आते थे उसके अंदर क्या होता है, एक और चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के रूप में लगा होता, वैसे चार्जिंग मॉसफेट होता था, ये भी चार्जिंग आईसी के रूप में काम करता था, इसको चार्जिंग मॉसफेट बोला जाता था, लेकिन ये चार्जिंग के रूप में काम करता था, बैटरी चार्ज करने काम करता था। तो एक इस तरह से लगा होता था, ऐसे डिजाइन में आती है, इस डिजाइन में आती है, 8 पिन की है, 10 पिन की है, या चारों तरफ पिन होती है या बॉल शेप में आती है। तो ये अलग अलग शेप में हमारे मोबाइल फ़ोन में आईसी पाई जाती है। ये वाली आईसी जो होती थी ये मोस्टली तुम्हारे कीपैड मोबाइल फ़ोन में पाई जाती हैं,
ये वाली आईसी जो होती हैं, ये तुम्हारे पास जो मोस्टली जो होती हैं वो स्मार्टफोन में पाई जाती हैं, स्मार्टफोन में पाई जाती हैं ये आईसीयां जो होती हैं, मोस्टली कीपैड मोबाइल फ़ोन में आते हैं, जितने भी कीपैड जो बटन वाले मोबाइल फ़ोन आते थे उसमें पाई जाती हैं, और ये वाली आईसी जो होती हैं हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में पाई जाती हैं। ये आईसी को मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया कि हम बोर्ड में आईसी कैसे पहचानेंगे। अब मैं आपको बोर्ड में आपको दिखाता भी हूँ कि प्लेट में आप आईसी को पहचानेंगे कैसे। अच्छा, ये जो चार्जिंग आईसी होती हैं, इस चार्जिंग आईसी को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको चार्जिंग आईसी तो कहते ही हैं, या इसको BQ नाम से भी जानते हैं, या इसको PMI नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बोर्ड में देखते हैं कि इसको बोर्ड में हम लोग कैसे पहचानेंगे। जो हमारे पास मदर बोर्ड आएगा रिपेयरिंग करने के लिए जो बोर्ड आएगा, तो इस बोर्ड में से आप चार्जिंग आईसी को कैसे पहचानेंगे और चार्जिंग आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं अपने कैमरे पर। ये मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर देखिए सारी आईसी लगी हैं। ये जितने भी सारी आईसी हैं देखिए, चारों तरफ से दिख रही हैं आपको आईसी, ये सारी आईसी लगी। अब मैं आपको बोर्ड में चार्जिंग आईसी के बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारे बोर्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको चारों तरफ से दिखा दिया और मैंने आपको बताया ये आपके मोबाइल फोन में जो लगी है ये हमारी चार्जिंग आईसी। अगर आप इसमें अगर गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ BQ25601, ये देखिए गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये हमारे पास जो आईसी लगी है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हमारी कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी। इसमें अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ पिनें दी हुई हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, BQ25601D। तो ये हमारी कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी है। तो ये हमारे बोर्ड में जैसे आप लोगों ने देखा कि ये चार्जिंग आईसी है, मैं इसी तरीके से मैं आपको और भी बोर्ड दिखाता हूँ, उस बोर्ड में आप ये पहचानेंगे कि इस मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी कैसे दिखती है और बोर्ड में आप उसको कैसे देख सकते हैं, पहचानने का तरीका क्या है। ये मैंने आपको वो वाली आईसी दिखाई जो पिन वाली है, जो 4 लेग, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना आ जाता है, स्मार्टफोन में ही हमारे पास बोर्ड आते हैं रिपेयर होने के लिए, तो ये BQ IC है। अब मैं आपको PMI दिखाता हूँ। वो PMI IC जो होती है वो बॉल टाइप में होती है, मतलब उसको रिबॉलिंग करके लगाया जाता है। ये पिन वाली आईसी होती है, नॉर्मली ऐसी लगती है। अब मैं आपको उसको बोर्ड पर आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये दूसरा बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं आपको पूरे बोर्ड में आपको दिखाता हूँ। ये सारा बोर्ड शील्डेड है, बिल्कुल फ्रेश चालू बोर्ड है आपका। उसके बाद ये आपके मोबाइल फ़ोन में जैसे अगर आप देखेंगे तो ये क्वालिकॉम लिखा CPU है, ये MMC IC है। हमने पहले CPU MMC IC के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये देखिए, ये क्वाइल लगी है। अगर आप इस आईसी को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ, PMI 632। तो ये दोस्तों हमारी इसके चार्जिंग आईसी, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, PMI। तो ये तुम्हारी कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी। तो ये मैंने दोनों अलग अलग तरह के आपको आईसी दिखाई, मैंने BQ भी दिखाया और PMI भी दिखाया कि किस तरह की आईसी होती है। अब मैं तुमको जितने भी अलग अलग जितने भी तरह के आईसी होती हैं, मैं सारी आईसी के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ कि आईसी कैसे अलग अलग और भी डिजाइन की होती है, उनका नाम क्या होता है। मोस्टली जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ये आईसी पाई जाती हैं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ PMI 632, क्या लिखा हुआ है, PMI 632। अब आप क्या करेंगे, लिखा PMI 632। अब मान लिया मेरे पास मोबाइल फ़ोन आता है ठीक होने के लिए, रिपेयरिंग होने के लिए मोबाइल फ़ोन आता है। ये मोबाइल फ़ोन मान लिया मेरे पास रियलमी का मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये आईसी खराब हो गई, चार्जिंग आईसी खराब हो गई, हमको आईसी चेंज करना है। तो रियलमी के अलावा और कौन कौन से सेटों में आईसी लगी होती है इसके बारे में पता करने के लिए आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा, गूगल पर जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ PMI 632, अब आप क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको गूगल पर इसको चेक करके दिखाता हूँ।
गूगल पे गए, गूगल में हम लोगों ने सर्च किया, पीछे PMI 632 सपोर्टेड आईसी मॉडल। जैसे मैंने डाला PMI 632 सपोर्टेड आईसी मॉडल, देखिए हमारे गूगल पे एक हमारी इमेजेस खुल जाती हैं। हमारी इमेज ओपन हो रही है, ये देखो इसमें लिखा क्वालिकॉम PM 632। अब देखो ये मोबाइल फोन में क्या है, शाओमी रेडमी 8, रेडमी 8A, रेडमी नोट 8, रेडमी नोट 8T या और भी बहुत सारे 75 ऐसे मॉडल आते हैं जिसके अंदर ये आईसी क्या होती है, हमारी लग जाती है। और भी मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, ये मतलब MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं होगा। हमको मतलब किससे होता है, उसके नंबर से होता है। अब ये नंबर जो है वो कितने कितने मोबाइल फ़ोन में मैच कर रहा है, वो सारे मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से डिटेल खुल करके आ जाती है। PMI 632, वीवो Y73, Y93, तो बहुत सारे हमारे इसके माध्यम से हमको नेट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वीवो के मोबाइल फोन में कौन से मोबाइल फोन में मैच करेंगे। तो इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जिस मोबाइल फ़ोन में आप उसकी कैपेबिलिटी को ये मैच करा करके देख सकते हैं कि आईसी हमारे कौन कौन से ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिस मोबाइल फ़ोन में आईसी हमारी क्या होती है, मैच होती है। तो अगर ये आईसी, इनमें से बहुत सारे ऐसे मॉडल आते हैं जिनमें आईसी ख़राब हो जाती है, तो आप उसको एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन MI का है, या आपके पास मोबाइल फ़ोन रियलमी का है, या आपके पास मोबाइल फ़ोन ओप्पो का है या वीवो का है, इस बात से मतलब नहीं रखता। मतलब डिपेंड करता है आईसी से। अगर उसके अंदर ये आईसी इस नंबर की लगी है, तो आप उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बोर्ड में कितने तरह की चार्जिंग आईसी आती हैं, जो चार्जिंग आईसी यूज होती हैं। ये देखिए, ये जैसा कि आप देखेंगे कि आपके मोबाइल फोन में, मैंने आपको बताया इतनी अलग अलग तरीके की आईसी आती हैं। जैसे आप जो मैंने अभी आपके बारे में मैंने जिक्र किया, PMI 632 एक आईसी है, PMI 8952, PMI 8937। उसके बाद अगर आप BQ में जाते हैं तो BQ 196, BQ 2589H, BQ 25601। तो ये इतने तरीके के जो चार्जिंग आईसी जो लगी हैं, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज होती हैं। अच्छा, यही आईसी जो होती हैं दूसरे में घूम फिर करके यूज होती रहती हैं। जैसे मैंने ये अपने आईसी आपको बताई, ये आईसी अगर तुम्हारे पास, अगर ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, तो ये रेडमी का मोबाइल फ़ोन है, तो रेडमी का बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में लगी होती है ये आईसी। और भी ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसमें से आईसी, चार्जिंग आईसी यूज होती है। अगर ये चार्जिंग आईसी खराब हो जाती है, तो आपस में क्या कर सकते हैं, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, उसको नंबर मैच होना चाहिए। तो
तो मोस्टली ज्यादातर इतनी आईसीयां होती है जो घूम फिर करके एक दूसरे हैंडसेट में लगती रहती हैं या उन्हें यूज की जाती है। ये तो मैंने यहाँ पर पीएमआई शब्द का जो जिक्र किया, पीएम का मतलब होता है कि जितने भी क्वालिकॉम सपोर्टेड जो मोबाइल फोन होते हैं उसके अंदर ये आईसीयां हमारी यूज होती है। इसी तरीके से मीडियाटेक जो सेट आते हैं तो मीडियाटेक सेट के लिए भी आईसी यूज होती हैं, या मीडियाटेक के सेट में भी ये आईसी चार्जिंग के रूप में यूज की जाती है जो चार्जिंग कंट्रोलिंग का काम करती है। अगर खराब हो जाती है तो आप एक दूसरे को आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इनको देख सकते हैं कि इतने तरीके के आईसी के बारे में मैंने आपको बताया है। और ये मैंने आपको आईसी के इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया है। आईसी के इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस सारे मोबाइल फोन के अंदर इस तरीके से हम आईसी को पहचानने का तरीका होता है कि आप आईसी को इस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। ये आपके पास मोबाइल फोन आता है तो मोबाइल फोन में भी आप आईसी को देख करके पहचान सकते हैं, क्योंकि हम आपको बिल्कुल समझाते भी हैं और उसका प्रैक्टिकल भी कराते हैं और उसको दिखाते भी हैं। देखिए आप देखिए, मैं दोनों आईसी को आपको आमने सामने कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कैमरे पे? तो ये देखिए, दोनों तरह के मैंने आपको, दोनों अलग तरह के बोर्ड हैं। दोनों में बोर्ड में मैंने आपको ये दिखाया, ये तुम्हारी कौन सी आईसी है पीएमआई, और ये तुम्हारी कौन सी आईसी है बीके। तो ये मोबाइल फ़ोन में आप इसको चार्जिंग सेक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? चार्जिंग सेक्शन कह सकते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन में मैंने आपको चार्जिंग आईसी को काम करने का तरीका, चार्जिंग आईसी को पहचानने का तरीका, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया कि ये मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग के लिए यूज होती हैं और चार्जिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अगर उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग आईसी की समस्या होती है तो आप इस आईसी को रिपेयर करेंगे। इसको रिपेयर करेंगे, इस आईसी को, इसको आप बोर्ड में देख करके आप इसको पहचान सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास और भी कई सारे मोबाइल फ़ोन आएंगे तो आप मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग सर्किट को आप पहचान सकते हैं। जो कीपैड मोबाइल फ़ोन आते हैं, उस कीपैड मोबाइल फ़ोन के अंदर मोस्टली चार्जिंग सेक्शन के अंदर थोड़ा सा एलवीआर लगा होता है, मतलब R22 जिसमें लिखा होता है उस तरह का लगा होता है। और जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आपको इस तरीके से सर्किट आपको चार्जिंग के लिए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने चार्जिंग आईसी के बारे में आपको बताया कि चार्जिंग आईसी हमारे मोबाइल फ़ोन में कैसे दिखती है, उसको पहचाना कैसे जाता है, कितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम से आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। और इससे संबंधित मैंने और भी बहुत सारा वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, अगर आपको ये वीडियो आपको मिल गया है तो इससे और भी पहले का जो वीडियो है उन वीडियो को भी वॉच करें, ताकि आप बोर्ड के अंदर एक एक करके जितने भी सारी आईसी आती हैं, कौन सी आईसी कैसे काम करती है, उसका क्या यूज होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप आप समझें, और उनको आपको रिपेयर करने में आपको कहीं ना कहीं आपको मजबूती मिलेगी कि आप कोई भी आपके पास फ़ोन आएगा रिपेयर होने के लिए तो आप उसको अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, आपको रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़े रहें, या कोई भी एक एक करके ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है तो नीचे मैसेज नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आती है सीखने से संबंधित, या आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, या आपको कोई फॉल्ट आता है, या उससे संबंधित अगर आपको कोई भी सुझाव चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पूरा कंप्लीट इन सब चीज़ों के पूरा एडवांस लेवल तक के पूरा डीप में अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका, वो चाहे हार्डवेयर से हो, सॉफ्टवेयर से हो, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट तरह की जो आप ट्रेनिंग है वो आप अगर सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने चार्जिंग आईसी के बारे में सीखा है,
कल की वीडियो में फिर हम लोग पावर आईसी के बारे में सीखेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं सारी आईसी के बारे में आपको समझाऊंगा, बोर्ड में उनको दिखाऊंगा, बोर्ड में पहचानने का तरीका क्या होता है, उस आईसी का क्या काम होता है, मदरबोर्ड में कैसे पहचाना जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक करके आपको पूरा ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।